मंगलवार की सुबह फहीमुन नासिर का शव वैशाली के बाकरपुर गांव में पहुंचा था। घर शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सभी परिवार के सदस्य गांव वाले रोने बिलखने लगे। बेटी जिक्रा ने कहा, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, पापा का सपना पूरा करना चाहती थी, पापा चाहते थे कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। बेटी ने सरकार से पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने की मांग की है। उनका कोई कसूर नहीं था, वो बेकसूर थे, उनको गोली क्यों मारा गया? मुझे हिसाब चाहिए और ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेगी। मेरे पापा को इंसाफ गवर्नमेंट ही लाएगी। हमको इंसाफ चाहिए किसी भी कीमत पे। मेरे पापा के खिलाफ गलत हुआ है, वो बेकसूर थे, उनको गोली क्यों मारा गया? मुझे मेरे पापा के लिए इंसाफ चाहिए और वो इंसाफ गवर्नमेंट ही लाएगी। मेरे पापा चाहते थे कि अब आईएएस ऑफिसर बने और ये सब गवर्नमेंट पूरा करेगा। हमको बनना आईएएस ऑफिसर, हम अपने पापा का सपना पूरा करेंगे। पीड़ित परिजनों के मुताबिक फहीमुन 7 नवंबर को आने वाले थे, उनकी भतीजी की शादी है। बहनोई शकील अहमद काजमी ने कहा कि एक बड़ा हादसा है, वो अपने बच्चों के लिए कश्मीर में जाकर कमा रहे थे, घर की परवरिश करते थे। उन्होंने कहा कि घटना पूरे हिंदुस्तान और बिहार के लिए बहुत अफसोसजनक है। जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए काम करने गया था, अब उसका शव आया है, बहुत ही दुखद घटना है। वहीं शव के घर पर आते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई थी। सैकड़ों लोग नमाजे जनाजे में शामिल हुए और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी, फिर उनको खाके सुपुर्द कर दिया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।